हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन कीमा। हमने चार बड़े साइज के प्याज काट लिए हैं और टमाटर दो हैं बड़े मीडियम साइज के, सात आठ हरी मिर्च हमने ली है, तेज पत्ता लिया है हमने, दो लौंग, एक हरी इलायची। तेज अब हम एक पतीली में तेल डालेंगे। तेल मैंने यहाँ पर चार बड़े चम्मच लिए हैं, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को गर्म करना है हमें, तेल में जब धुआं आने लगे तो उसमें हमें प्याज डालनी है। आप तेल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इतना तेल काफ़ी है। 500 ग्राम कीमा लिया है हमने, चिकन कीमा है, आप चाहे तो कोई भी कीमा ले सकती हैं। देखिए प्याज हम इसमें डाल देते हैं, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब प्याज को हमें अच्छी तरह से ब्राउन करनी है। ये ब्राउन होने में टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए आप प्याज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने चार बड़ी साइज की प्याज दी थी। चलाते रहे बीच बीच में ताकि प्याज ज़्यादा काली ना होने पाए। अगर किनारे साइड में प्याज रह जाएगी तो काली हो जाती, जल जाती प्याज हमारी। ये देखिए मेरी प्याज लगभग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कीमा। कीमा 500 ग्राम में चिकन का है। कीमे को जितना ज़्यादा बारीक से ज़्यादा मोटा पूरा होना चाहिए। अब कीमा डालने के बाद अच्छे से उसको चलाना, कम से कम 3 से 4 मिनट तक उसको भूनना। ये आज से आप फ्लेम को स्लो नहीं करना, अच्छे से उसको चला के मिला लेना है ताकि उसका कलर वाइट से ब्राउन का ब्राउन हो जाए और उसका चिकन का जो महक है वो ख़त्म हो जाए और उसमें पानी भी चल जाए। पानी भी उसको ख़त्म करना है। देखिए हमने अच्छी तरह से उसको मिला दिया है। और इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए कीमा हमें बहुत अच्छी तरह से, कलर देखिए इतना अच्छा कलर उभर कर आया है हमारा, इसमें स्मेल जरा भी नहीं रही। ये देखिए 2 चम्मच हमने बड़े अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और इसे अच्छी तरह से 2 से 1 मिनट हमें भूनना है। अदरक का जो अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट हमें तेज आंच पे भूनना है। तेज आंच पे भूनने के बाद हम इसमें सारे स्पाइसेस डालेंगे, मसाले हमारे। सबसे पहले हम डालें, अब इसमें हम डाल रहे हैं टमाटर और हरी मिर्च। हम मैंने 2 टमाटर लिए और 6 से 7 हरी मिर्च लिए है। आप चाहे तो इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग। टमाटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब कोशिश करिए कि टमाटर आपके गले हुए ज़्यादा हो, ज़्यादा टाइट टमाटर मत डालिए। देखिए इसमें हम डाल रहे हैं पत्ता लकड़ी और 2 लौंग और 1 हरी इलायची। इसको डालने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक। 2 चम्मच हम नमक डालें, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये है पिसी हुई धनिया, हमारी होममेड। हम धनिया घर पे ही पीस के बनाते हैं। ये हमारा होममेड गरम मसाला। अगर इसकी भी रेसिपी आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखिए लाल मिर्च पाउडर है ये 1 चम्मच। अब इसको अच्छे से भूनेंगे हम, अच्छी तरह भून कर उसके हम उसको ढक देंगे और आज को हमें फ्लेम को लो कर देना है ताकि ये लगे ना।
अच्छी तरह बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है इसको, ताकि लगे ना। आपको ध्यान रखना है कि आप कोई हल्के बर्तन में इसको ना बनाएं, ताकि अंदर से लगने लगता है। मीडियम थोड़ा भारी बर्तन रहेगा तला तो ये सही रहेगा। इसको ढक देखते हैं अब हम, कम से ढकने के कम से कम 5 मिनट धीमी आंच में हमें इसे पकाना है। ये देखिए मैं, हमारा कीमा एकदम रेडी है। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे, धनिया पत्ती। धनिया मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे ये धनिया पसंद नहीं है, आप डाल सकते हैं। धनिया से बहुत से लोगों को पसंद होती है, खुशबू अच्छी आती है, देखने में अच्छा लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारी अगली वीडियो के लिए वेट करिए। धन्यवाद।